नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा Facebook की एक कमाल की ट्रिक। दोस्तों Facebook की आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप कैसे Facebook में लॉगिन कर पाएंगे, यही आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप Facebook का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप किसी तरह से पासवर्ड फॉरगेट करके आप लॉगिन कर पाते हैं, मगर तब आप क्या करेंगे जब आप पासवर्ड फॉरगेट करने जाए और जिस मोबाइल नंबर पे OPT जाए वो आपका मोबाइल नंबर ही न रहे। तो अगर आपका वो मोबाइल नंबर भी आपके पास न रहे, बिना पासवर्ड को फॉरगेट किए आप जान सकते हैं कि हमारा पासवर्ड क्या था। साथ ही अगर आप अपना मोबाइल नंबर भूल जाते हैं कि हम Facebook किस नंबर से बनाए थे, हमारा लॉगिन आईडी क्या है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा कि हमारा लॉगिन आईडी क्या था और हमारा पासवर्ड क्या था। दोस्तों अपने Facebook की लॉगिन आईडी और पासवर्ड पता करने के लिए यहाँ पे अपने फोन में आपको ओपन करना होगा अपने क्रोम ब्राउजर को। दोस्तों आपको अपने Facebook की लॉगिन आईडी और पासवर्ड पता करने के लिए आपको ओपन करना होगा अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को। आप कोई भी फोन यूज करते होंगे, MI, सैमसंग या फिर रियलमी, आपके फोन में ये ब्राउजर क्रोम ब्राउजर जरूर होता होगा। तो आपको ओपन करना होगा इस क्रोम ब्राउजर को। दोस्तों आप जब भी Facebook अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उससे पहले आप अपने फ़ोन में ईमेल आईडी जरूर क्रिएट किए हुए रहते हैं, आप अपने फ़ोन में ईमेल आईडी से जरूर लॉगिन हुए रहते हैं। तो आप अपने फ़ोन में जो भी ईमेल आईडी यूज करते हैं उस ईमेल आईडी पे Facebook, Amazon, Flipkart ये सभी का पासवर्ड वहाँ पे सेव हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखलाता हूँ कि आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको इस तीन लाइन पर क्लिक करना होगा यहाँ पर, और तीन लाइन पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढना होगा सेटिंग का। यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा। सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी होता है और उसके बाद यहाँ पे होता है सर्च इंजन। उसके ठीक नीचे यहाँ पे दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिलता है पासवर्ड का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा पासवर्ड पे। अब दोस्तों जैसे ही आप गूगल पे किसी भी अकाउंट से Facebook, Flipkart, Amazon जिससे भी आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता होगा सेव पासवर्ड का। तो काफ़ी लोग ये ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं और सेव पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं, वही सब पासवर्ड यहाँ पे सेव हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे फोन में इतने सारे यहाँ पे पासवर्ड सेव हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखला दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरा ट्विटर का पासवर्ड है और इसी तरह से मेरे बहुत सारे Facebook या फिर गूगल आईडी सभी का पासवर्ड यहाँ पे सेव हो जाते हैं। यहाँ पे Flipkart का भी मैं पासवर्ड यहाँ पे आपको दिखला दे रहा हूँ, शायद यहीं पे कहीं था, वो अभी मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना Facebook का पासवर्ड ढूंढने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा इस सर्च वाले आइकॉन पे, और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा Facebook। यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा Facebook। तो यहाँ पे जैसे ही हम Facebook टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे Facebook आ जाता है। और यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं अपना यहाँ पे Facebook आईडी ईमेल आईडी से बनाया था और यहाँ पे हमारा वो पासवर्ड सेव होता है। दोस्तों मैं अपने Facebook आईडी को लॉगिन करके भी दिखलाऊंगा कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे इसका पासवर्ड देखने के लिए इस आंख वाले आइकॉन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इस आंख वाले आइकॉन पे क्लिक करके आप अपने Facebook का पासवर्ड देख सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे इस आंख वाले आइकॉन पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि पासवर्ड सभी को नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम चलते अपने Facebook अकाउंट में। यहाँ पे मैं अपना Facebook को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपना लॉगिन आईडी को पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देने से ये हमारा लॉगिन आईडी पेस्ट हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पे हमें अपना डालना होगा पासवर्ड। तो यहाँ से हम अपना पासवर्ड देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं फिर से वो ब्राउजर में, और यहाँ से मैं अपना पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा पासवर्ड कॉपी हो चुका है, और फिर से चलते अपने Facebook आईडी में। यहाँ पे मैं आता हूँ अपने Facebook अकाउंट में और यहाँ पे मैं क्लिक करके और यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा पासवर्ड पेस्ट हो जाता है। और इसके बाद हम यहाँ से क्लिक करते हैं लॉगिन। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नेम आ चुका है, और यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से अब हम Facebook आईडी में, और यहाँ पे हम स्किप पे क्लिक कर दे रहे हैं, तो हम अपने Facebook आईडी में लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ से आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं अपने Facebook आईडी में यहाँ पे लॉगिन में हो चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आई होगी और आपके काम की होगी। दोस्तों अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई सवाल हो या फिर सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।